हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी साथी जो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, एकल कोशिकीय सुकेंद्र की जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? एकल कोशिकीय सुकेंद्र की जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? कवक, आर्किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। कवक, आर्किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। आंसर होगा जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्र की जीवधारी आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? बोला गया है कि जो झिल्ली परिसीमित अंगक है, निम्न में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, सैकेरोमाइसिज। आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, झिल्ली परिसीमित अंगक जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? ऑस्टिलेगो नूडा, पिक्सिन या ग्रैमिनिस, जैंथोमोनास ओराइजी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। राइट आंसर होगा पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रोग एवं उसके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? रोग एवं उसके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? सब्जियों की मूलगांठ मेलाइडोगाइन स्पी, आलू की विलंबित अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई, गेहूं का काला किट पक्सिनिया ग्रैमिनिस, गेहूं का स्लत कंड ऑस्टिलेगो नूडा। यहाँ पर जो आलू है, आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, यह गलत जोड़ा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है? मार्केला तथा छत्रक, पक्षी नीड कवक तथा पफबॉल्स तथा क्लेविसेप्स पेजीजा तथा स्टिंक हॉर्न। आंसर होगा पक्षी नीड कवक तथा पफबॉल्स, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, पक्षी नीड कवक तथा पफबॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की इष्टतम वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय दशाएं अनिवार्य है? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 5%, अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 95%, छायाधार स्थान, तेज प्रकाश वाला स्थान। ए, केवल ए सी तथा ई, केवल ए डी तथा ई, केवल बी डी ई, बी सी एफ। ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की इष्टतम वृद्धि के लिए कौन सी पर्यावरणीय दशाएं अनिवार्य है? राइट आंसर होगा ए डी तथा ई, ऑप्शन बी। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान
उसके बाद में है डी आपेक्षिक आर्द्रता लगभग 75% और छायादार स्थान, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कवक रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? गेहूं का लूज स्मट रोग, मक्के का बौनापन, जौ का आवृत स्मट रोग, आलू का मृदु गलन रोग। आंसर होगा गेहूं का लूज स्मट रोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया, ऑस्टिलेगो, एल्बुगो, फाइटोप्थोरा। आंसर होगा पक्सीनिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्तंभिका एक विशेषीकृत स्वरूप बीजाणुधानी है जो खालिस्थान की बीजाणुधानी में मिलता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, इनमें से कोई नहीं। स्तंभिका एक विशेषीकृत स्वरूप बीजाणुधानी है जो खालिस्थान की बीजाणुधानी में मिलता है। आंसर होगा राइजोपस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पक्सीनिया बनाता है यूरेडिया तथा एशिया गेहूं के पत्तों पर, टीलिया गेहूं के पत्तों पर, एशिया बारबरी के पत्तों पर, पिकनिया बारबरी के पत्तों पर। राइट आंसर होगा टीलिया गेहूं के पत्ते पर, ऑप्शन बी। अगला है माइकोराइजा एक सहजीवी संगठन है जो उच्च पादप की जड़ों तथा कवक के बीच में होता है। एक संगठन है जो केवल जो तथा शैवाल कवक के बीच होता है। एक कवक जो उच्च पादप की जड़ में परजीविता प्रदर्शित करते हैं। कुछ पेड़ों में चींटियों का तने के साथ संबंध। माइकोराइजा एक सहजीवी संगठन है जो उच्च पादप की जड़ों तथा कवकों के बीच में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गेहूं का काला कीट रोग जो एक कवक रोग है किसके द्वारा होता है? एल्बुगो कैंडिडा, पक्षीनिया, ग्रैमिनिस टेट्रेकाई, मेलिम्पसोरा लिनी, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। गेहूं का काला किट रोग पक्सीनिया ग्रैमिनिस टेट्रेकाई के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यह राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुनिए। स्पोरोजोन में कूटपाद चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं हैं। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से है। कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में सूत्रकणिकाएं एक शक्तिग्रह है। गलत कथन को चुनना है फ्रेंड्स, तो आंसर होगा स्पोरोजोवन में कूटपाद चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, एस्परजिलस। किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? आंसर होगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। वॉचेरिया, वॉल्वॉक्स, एनाबिना, म्यूकर। सत्य केंद्रक एनाबिना में मौजूद होता है, अनुपस्थित होता है एनाबिना में सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? पेनिसिलियम, अगेरिकस, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक। आंसर होगा
नॉस्टॉक, ऑप्शन डी, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट है अवशोषी विषमपोषी एवं अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आंसर होगा कवक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को चुनिए। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषम भोजी होती है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। आंसर होगा मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीवित जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव रहता है? साइनोबैक्टीरिया, समुद्री पंखा, गोर्गोनिया, सैकेरोमाइसिस, नील हरित शैवाल। आंसर होगा समुद्री पंखा, गोर्गोनिया। इसमें जो है कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव रहता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायराइडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है। उसमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। वायराइडो के विषय में पूछा गया है, राइट आंसर होगा उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। स्वतंत्र आरएनए होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मवेशियों में मैड काउ बीमारी एक ऐसे जीव के कारण होती है जिसमें अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है, असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोट के बिना मुक्त आरएनए होता है, प्रोटीन कोट के बिना मुक्त डीएनए होता है। मवेशियों में मैड काउ बीमारी को एक ऐसे जीव के कारण होती है जिसमें जो है असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रियानों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती हैं। विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संघटक प्रोटीन आवरण होता है। आंसर होगा विषाणुओं में संक्रामक संघटक प्रोटीन आवरण होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं। बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। आंसर होगा बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। विरोइड जो है विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड के विषय में गलत है? ये संक्रमण करते हैं। उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। आंसर होगा उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
कुंडलित आरएनए रज्जुक और पैटी का शंक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटी का शंक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू मोजेक विषाणु, खसरा विषाणु, पश्च विषाणु। आंसर होगा तंबाकू मोजेक विषाणु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्राकेंद्र की केंद्रक, अकेला गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए दोनों। विषाणुओं में क्या होता है? आंसर होगा प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वायराइडों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये सभी परजीवी होते हैं, इन सभी में कुंडलीनीय सममिति होती है, इनमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों के संश्लेषण की क्षमता होती है, इन पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है। गलत कथन के बारे में बोला गया है। आंसर होगा इन सभी में कुंडलिनी सममिति होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्ग की समूह के अंतर्गत बताया गया है? पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी एक जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलियम आती है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल एवं एक प्रोटोजोअन के सहजीवी साहचर्य से बना होता है। ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट एक कवक है। नॉस्टॉक तथा एनाबिना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। सही वर्गी की समूह के अंतर्गत बताने वाला जोड़ा राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन सी। ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट एक कवक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? वेरियन न्यूक्लियोप्रोटीन कोर कैप्सिड, वेरियन न्यूक्लियोप्रोटीन कोर कैप्सिड, राइट आंसर होगा कैप्सिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टियो डाइनर ने खोज की थी जीवाणु भोजी की मुक्त संक्रामक डीएनए की, मुक्त संक्रामक आरएनए की, संक्रामक प्रोटीन की। टीओ डाइनर ने खोज की थी, आंसर होगा मुक्त संक्रामक आरएनए की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लाइकेन में शैवाल तथा कवक का एक निकट साहचर्य होता है, इसमें कवक शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, शैवाल के लिए सुरक्षा स्थिरक स्थान अथवा अवशोषण प्रदान करता है, शैवाल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, शैवाल के लिए ऑक्सीजन का विमोचन करता है। कवक शैवाल जो लाइकेन है सहजीविता एक निकट साहचर्य होता है इन दोनों में, तो इसमें कवक के क्या कार्य हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल के लिए सुरक्षा स्थिरक स्थान अथवा जो है अवशोषण प्रदान करना कवक का कार्य है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो साथी बाद में क्लास देखते हैं वे भी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।